तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आदर्स एंड यू वाचिंग रेसलिंग चैट। सो क्लैश ऑफ चैंपियंस से पहले आज हमें फाइनल मंडे नाइट रॉ देखने को मिला, जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में था, जहां पर आज हमें स्टोन कोल्ड का वही पुराना वाला स्टनर देखने को मिला। इसके साथ ही साथ आज का मेन इवेंट भी काफी ज्यादा तगड़ा था, जहां पर स्टोन कोल्ड ने बियर्स की एक तरह से बारिश ही कर दी थी। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ मेन मैचेज और सेगमेंट्स की, जो कि हमें आज के मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिली थी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज का मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद क्या हुआ था, और साथ ही गाइस हमारे पास अंडरटेकर और फिन ब्रे वाइट को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट है, जो कि आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का रॉ स्टार्ट होता है स्टीव ऑस्टिन के साथ, जहां पर वो रिंग में आते हैं और वहां के लाइव ऑडियंस से कुछ बातें करते हैं। इसके बाद फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाले कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। यहां पर सेथ रॉलिंस ब्रॉन स्ट्रोमैन को बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट रेसलर ऑन द प्लेनेट और क्लैश ऑफ चैंपियंस के बाद मैं ही रहूंगा यूनिवर्सल चैंपियन। इसके बाद वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। फिर यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन भी सेथ रॉलिंस को बोलते हैं कि आई लाइक टू बी योर टैग टीम पार्टनर बट आई लव टू बी यूनिवर्सल चैंपियन। जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर से हमें ओसी की तरफ से इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, और जब वो तीनों मेंबर रिंग में आते हैं तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर रिंग में बच जाते हैं सिर्फ एजे स्टाइल और स्टोन कोल्ड। फिर जैसे ही एजे स्टाइल पीछे घूमते होते यहाँ पर स्टोन कोल्ड उनको एक फट से स्टनर लगा देते हैं। उसके बाद ये वाला सेगमेंट भी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस सेगमेंट के बाद हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर और एजे स्टाइल के बीच एक नॉन टाइटल मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच में होता है कि ओसी के दोनों मेंबर सेड्रिक अलेक्जेंडर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये वाला मैच ही वहीं पे खत्म हो जाती है। यहाँ पर ओसी के तीनों मेंबर सेड्रिक अलेक्जेंडर को ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पर वाइकिंग रेडर्स की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पर वो आकर के सेड्रिक अलेक्जेंडर को सेव कर लेते हैं। अब बात करते हैं वुमेन्स डिवीजन वाले मैच की, जिसमें कि हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिला था। तो गाइस ये वाला मैच भी हमें काफी अच्छा देखने को मिला था, जहाँ पर इस मैच में होता है कि शार्लेट फ्लेयर साशा बैंक्स को फिगर एट लगाती है, बट बाय मिस्टेक यहाँ पर बेकी लिंच शार्लेट फ्लेयर के ऊपर ही गिर जाती है। वहीं इस मैच के लास्ट में होता है कि शार्लेट फ्लेयर अपना नेचुरल सिलेक्शन लगा करके इस मैच को जीत जाती है, और इस मैच की विनर रहती है बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर। अब बात करते हैं आज के रॉ के ट्रिपल ट्रेड मैच की, जो कि था किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल वाला मैच। तो गाइस ये वाला मैच भी हमें काफी इंटरेस्टिंग और लंबा देखने को मिला था, जहां पर इस मैच में होता है कि रिको से सुमावा जो को अपना 630 लगाते हैं, बट यहां पर बैरन कॉर्बिन उनको बाहर खींच देते हैं और सुमावा जो को पिन करके बन जाते हैं इस मैच के विनर। तो गाइस अब क्लैश ऑफ चैंपियंस में बैरन कॉर्बिन चैट गिवल्स या फिर एलायंस के साथ फाइट करने वाले, अब देखना है कि इस बार के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के विनर कौन होते हैं। अब बात करते हैं आज के रॉ के मेन इवेंट की, जो कि काफी अच्छा था। आज WWE ने अपने रेटिंग्स बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, जिसके लिए हमें मेन इवेंट पे ये 10 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला। ये वाला मैच हमें थोड़ा सा लंबा देखने को मिला था, जिसमें कि सारे सुपरस्टार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इस मैच के बीच में हमें सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच एक छोटा सा फेस ऑफ भी देखने को मिला था, बट एट लास्ट इस मैच का रिजल्ट ये रहा था कि सेड्रिक अलेक्जेंडर एजे स्टाइल के ऊपर अपना फिनिशिंग मूव लगा करके एजे स्टाइल को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद हमें एक और सरप्राइज देखने को मिलता है, जिसमें कि स्टोन कोल्ड फिर से एक बार रिंग में आते हैं और वो इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर स्टोन कोल्ड विनिंग टीम को बियर बांटते हैं, जिसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा सेलिब्रेशन होती है, और इसके बाद हमारे लिए आज की ये रॉ भी यहीं पे खत्म हो जाती है। बट गाइस आज का मंडे नाइट रॉ यहीं पे खत्म नहीं हुआ था। रॉ ऑफ एयर होने के बाद हमें एक छोटा सा सेगमेंट और भी देखने को मिला था। आज का रॉ ऑफ एयर होने के बाद स्टोन कोल्ड फिर से एक बार एजे स्टाइल को रिंग में बुलाते, जहां पर एजे स्टाइल रिंग में आ भी जाते हैं। इसके बाद स्टोन कोल्ड एजे स्टाइल को एक बियर देते हैं, और जैसे ही एजे स्टाइल बियर को टॉस करने लगते तो सडनली यहाँ पर स्टोन कोल्ड एजे स्टाइल को फिर से एक स्टनर लगा देते हैं। इसके बाद फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं WWE के 24/7 चैंपियनशिप के बारे में। आज का रॉ स्टार्ट होने से पहले हमें मेन इवेंट में एक सेगमेंट देखने को मिला था, जिसमें कि रिंग में NBA के स्टार एनिस कैंटर और आर्टूथ रहते हैं। यहां पर होता है कि एनिस कैंटर आर्टूथ को सडनली पिन करके बन जाते हैं न्यू 24/7 चैंपियन। बट गाइस हमारे आर्टूथ भी कम नहीं है, वो भी एनिस कैंटर को फिर से सडनली पिन करके फिर से अपने चैंपियनशिप को वापस ले लेते हैं। तो ये वाला सेगमेंट हमें आज के मंडे नाइट रॉ ऑन एयर होने से पहले देखने को मिला था, जहां पर आर्टूथ 24/7 चैंपियन बन चुके हैं। अब लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं उस बड़े अपडेट की, जो कि है फिन ब्रे वाइट एंड अंडरटेकर के बारे में।
तो गाइस आप सबने भी आज के मंडे नाइट रॉ पे ब्रे वाइट का फायर फ्लाई फन हाउस वाला शो देखा होगा, तो आप सबने वहां पर एक चीज देखी होगी कि ब्रे वाइट के पास जो एक क्लॉक रहती है तो वो क्लॉक 11:19 पे ही रुक जाता है। ये काफी सरप्राइज चीज थी जो कि आज के हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिली थी। आज का जो ये अपडेट अंडरटेकर और फिन ब्रे वाइट को लेकर वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें कि इस घड़ी के इस परफेक्ट टाइम पे रुकने के पीछे दो रीजन बताए जा रहे हैं, जिसमें कि पहला रीजन ये बताया जा रहा है कि जैसा कि हमने देखा था कि उस घड़ी में जो परफेक्ट टाइम था वो था 11:19 और इस बार का जो सर्वाइवल सीरीज होने वाला वो भी नवंबर के 19 तारीख के आसपास ही होने वाला है। तो इस क्लॉक के टाइम को सीधा रिलेट किया जा रहा है सर्वाइवल सीरीज से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हेल इन अ सेल के बाद हमें सर्वाइवल सीरीज में फिन ब्रे वाइट का एक बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरा रीजन ये बताया जा रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 1919 में 19 नवंबर को ही सर्वाइवल सीरीज में अंडरटेकर ने अपना डेब्यू किया था, तो यहाँ पर फिन ब्रे वाइट अपने क्लॉक से हमें ये हिंट दे रहे हैं कि उनके नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं अंडरटेकर, जिसके बाद हमें आगे चलकर अंडरटेकर और फिन ब्रे वाइट के बीच मैचेस देखने को मिल सकते हैं। गाइस जैसा कि हमने देखा है कि फिन ब्रे वाइट कई सारे हॉल ऑफ फेमर्स के ऊपर अटैक करते आ रहे हैं, बट अंडरटेकर ने अभी तक अपना रिटायरमेंट नहीं लिया है। तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि नवंबर में होने वाले सर्वाइवल सीरीज में हमें फिन ब्रे वाइट और अंडरटेकर के बीच एक बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। अब हमें वेट करना और देखना है कि आगे चलकर हमें फिन ब्रे वाइट और अंडरटेकर के बीच मैचेस देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। तो आप इसको लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैचेस देखना चाहते हो या फिर नहीं। तो आज के मंडे नाइट रॉ से रिलेटेड अभी तक की सारी अपडेट्स बस यहीं तक थी। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई थी। वीडियो को लाइक करें बिना कहीं जाना, साथ ही कमेंट सेक्शन में बताओ कि आज का मंडे नाइट रॉ आपको कैसा लगा। वहीं अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।